अब दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बस खरीद मामले की बात करेंगे। एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट कि उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। 1000 बसों की खरीद की सीबीआई जांच होगी, ये उपराज्यपाल ने कह दिया। एलजी की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं और दिल्ली सरकार ने 1000 लो फ्लोर बसों की जो खरीद की थी इसमें अनियमितताओं की बात कही गई है। सीबीआई जांच की मांग की गई थी, शिकायत की गई थी इस मुतालिक, जिसके बाद अब उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में जो कथित अनियमितता को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को शिकायत की थी, उसके बाद एलजी ने लो फ्लोर बसों की खरीद में हुई कथित भ्रष्टाचार की शिकायत पर प्रमुख सचिव के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसमें कहा गया कि मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। बता दें हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से भी एलजी पर पलटवार किया है, गंभीर इल्जाम उपराज्यपाल पर लगाए हैं। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर इल्जाम लगाए हैं। हमला बोलते हुए दिल्ली सरकार ने बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि टेंडर रद्द हो गए थे, बसें कभी खरीदी गई ही नहीं थी, दिल्ली को ज्यादा पढ़े लिखे एलजी की जरूरत है, मौजूदा एलजी को पता ही नहीं है कि वो किस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। तो बसों की खरीद मामले में सीबीआई जांच पर दिल्ली सरकार का बयान, बसों की कभी खरीद की ही नहीं गई थी, ये दिल्ली सरकार ने कहा कि कभी खरीदी ही नहीं गई थी ये बसें, बसों के टेंडर तो रद्द कर दिए गए थे, एलजी को तो पता ही नहीं है कि क्या आदेश है। 1000 बसों की खरीद मामले में एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। ये बता दें कि दिल्ली सरकार ने पलटवार किया है। दिल्ली सरकार का जो बयान सामने आया उसके मुताबिक उपराज्यपाल पर खुद गंभीर भ्रष्टाचार के इल्जाम है। एलजी ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की जांच के आदेश दे रहे हैं, ये दिल्ली सरकार ने घेरते हुए कहा एलजी को। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस तरह की जांचों से अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ निराधार शिकायतों के बावजूद भी अब चौथे मंत्री की शिकायत कर रहे हैं, कुछ निकल कर सामने नहीं आया, इससे पहले भी नहीं आया, अब भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई घोटाला हुआ ही नहीं, ये दिल्ली सरकार की तरफ से दावा किया गया है।